नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम आपके पास लेके आ रहे हैं। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उस परीक्षा में वो तिथि का बदलाव किया गया है। तो चलिए उस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले, अगर आप बीपीएससी शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास चासू प्रकाशन का बेस्ट बुक होने के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन का भी है और भाषा का भी, दोनों बुक इसे नीचे से आप खरीद सकते हैं लिंक पे जाके। दोनों बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन पे उपलब्ध हैं। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले रजनीश कुमार के द्वारा, जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। कहा जा रहा है कि 26 और 27 अगस्त को होगी शिक्षक बहाली परीक्षा, यानी कि जो 24 तारीख की होगी परीक्षा होगी वो आपका होगा भाषा का, इंग्लिश और हिंदी का। 25 को आएगा 1-5 का, 26 को होगा 9-10 का और 27 को होगा 11-12 का। ये एग्जाम चार डेट में हो जाएगा। अब इसको क्या कहा जा रहा है कि पहले की संभावित तिथियों में हुआ है बदलाव। पहले क्या था, तो हिंदी का 19 तारीख को था, प्राइमरी का यानी कि 1-5 को 20 तारीख को था और 26 और 27 को था। लेकिन सीटेट का एग्जाम 20 तारीख को है, उसको देख को ये बदलाव किया गया है। दूसरी चीज़ और एक राहत और दिया गया है कि जो सीटेट कैंडिडेट है उनको इस बार अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट उनको भी डालने का मौका दे दिया गया है, यानी कि आप 3 लाख कैंडिडेट और इसमें बढ़ने की संभावना है। क्योंकि आप जाके देख सकते हैं जो सीटेट का थी वेबसाइट है, वहाँ पे 3-2.5 लाख सीट दिया हुआ हमेशा रहता है बिहार से, कि इतना कैंडिडेट फॉर्म डाल देते हैं, उतना ऑलरेडी पहले से वो फुल हो चुका है। तो इतना समझ लीजिए कि 2.5 से 3 लाख और कैंडिडेट इसमें होने की संभावना है। और जब 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट और आएंगे तो इसमें क्या होगा कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर लिया निर्णय, जुलाई पहले सप्ताह में परीक्षा तिथि की होगी लिखित परीक्षा, लिखित घोषणा। अब दो पालियों में ली जाएगी परीक्षा। जब 2.5 लाख कैंडिडेट आएंगे इसमें शामिल, तो अब दो पालियों में, यानी कि फर्स्ट पाली में भी एग्जाम होगा और सेकेंड पाली में भी होगा, यानी कि दो भागों में इसे अब बांट दिया गया। पहले था कि एक डेट में, एक शेड्यूल में सबका एग्जाम होगा, लेकिन अब दो भाग में एग्जाम होगा। यानी कि भाग मतलब समझ रहे हैं ना, दो तरह के क्वेश्चन होंगे और दो पार्ट में। जैसे सीटेट का एग्जाम होता था ऑनलाइन, एक महीना लगातार होते रहता था, उसी तरह से अब दो पालियों में एग्जाम लिया जाएगा। आधा कैंडिडेट को सुबह में लिया जाएगा और आधा कैंडिडेट को बाद में लिया जाएगा। एग्जाम आपको एक ही देना, लेकिन दो पालियों में एग्जाम कर दिया गया है। तो छोटा सा अपडेट हमने आपको दिए दोस्तों। इसी तरह का और भी कुछ अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।